हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट बाय विभा। मैं हूँ विभा और आज हम बनाने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अपने डिज़ाइन में उसका रिफ्लेक्शन कैसे शो कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर देख ही रहा होगा, आज हम यही बनाने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्ट वॉच का रिफ्लेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने जो फाइल का डायमेंशन लिया है वो 1000 बाय 80, 1000 बाय 80 पिक्सल्स लिया है, और जो इसकी रेजोल्यूशन है वो मैंने 300 ली है। आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोगों का फाइल का साइज कितना है या डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, तो आप उस हिसाब से अपनी अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल शो करने के लिए ये डायमेंशंस लिए हैं, तो मैंने इसमें बैकग्राउंड ब्लैक डाला है। तो आप लोगों को जो भी बैकग्राउंड में अपना रिफ्लेक्शन देना हो, वो किसी भी में भी हो सकता है, क्रीम में हो सकता है, ब्लू में हो सकता है, ब्लैक में हो सकता है, ग्रे में हो सकता है, एनी कलर विच यू वॉन्ट यू कैन मेक द रिफ्लेक्शन ऑन दैट कलर ऑल्सो। तो मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए ब्लैक लिया है, और अब मैंने वॉच को भी वो कर लिया है, मास्क कर लिया है। तो वॉच को मास्क, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट मास्क सेलेक्ट और मास्क करना नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो अभी के लिए मैंने इसको मास्क में नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको मास्क कैसे करा है, तो अभी के लिए हम सिर्फ रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं। तो अब मैंने ये इमेज ले ली है, मास्क करके इमेज ले ली है, तो अब हम इस इमेज को कॉपी करेंगे ताकि हमारा रिफ्लेक्शन हम बना सके। और कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करोगे तो आपकी जो लेयर है वो कॉपी हो जाएगी। देखिए हमारी ये लेयर कॉपी हो गई है, ठीक है। अब हमें इस लेयर का अपोजिट लाना है, मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर लाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने कंट्रोल टी किया, अब राइट क्लिक करेंगे एंड देन फ्लिप वर्टिकल। तो वर्टिकल फ्लिप करने से हमारा ये हिस्सा आप देख रहे हो ऊपर, नीचे का ऊपर आ गया है वर्टिकली, इसको वॉच को फ्लिप हो गई है। हम इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की ओर, क्योंकि हमें शेडो जो हमारी जो वो है शेडो रिफ्लेक्शन है वो हमें नीचे शो करना है, तो हम इसको एड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो नीचे वाली रिफ्लेक्शन वाली लेयर है उसको हम मास्क कर देंगे। तो मास्क कैसे करेंगे, यहाँ नीचे मास्क का आइकन है, हम उस पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा मास्क हो गया। अब हम इस मास्क वाली लेयर, मास्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए ग्रेडियंट में जाएंगे, एंड ग्रेडियंट में आप कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हो, जैसा आपका बैकग्राउंड है उस कलर का ग्रेडियंट लोगे व्हाइट के साथ वो ज्यादा बेनिफिट होगा, आपका रिफ्लेक्शन वो ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। तो हमने मैंने अभी ब्लैक एंड व्हाइट ले रखा है, तो मैं आपको शो भी कर देती हूँ। देखिए ब्लैक इधर, व्हाइट है इधर, ब्लैक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यह वॉच के नीचे से ड्रैग कर दूंगी क्लिक करके, रिफ्लेक्शन मुझे जितना चाहिए होगा उतना, मैं चाहती हूँ कि इतना रिफ्लेक्शन मिले, नहीं मैं चाहती हूँ थोड़ा और रिफ्लेक्शन, थोड़ा कम रिफ्लेक्शन आए, तो मैं क्या करूंगी थोड़ा और कम तक उसको, बस मैं चाहती हूँ कि बस इतना ही रिफ्लेक्शन आए मेरी वॉच का नीचे, मैं नहीं चाहती कि डायल वायल दिखे, मैं चाहती हूँ बस इतना ही स्ट्रैप स्ट्रैप का रिफ्लेक्शन आए, दैट्स इट। तो मैंने इतना ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। अब ओपेसिटी आप घटा दीजिए, कम से कम आप 30-45 तक रख सकते हैं ओपेसिटीज की, तो वो रियलिस्टिक लगती है। तो देखिए बस कुछ ही सेकेंड्स या कुछ ही मिनट्स में बता दो आपका ये रिफ्लेक्शन रेडी हो जाता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए
जिसको भी इस चीज की जरूरत है उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो, डिजाइन करने में उनके और क्रिएटिविटी उनकी और इन्हांस हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, जल्दी मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।